गरीब बेटा बना आईपीएस ऑफिसर। एक गांव में रजत नाम का लड़का रहता था। रजत के मां बाप मजदूरी करते थे। वो दिन रात मेहनत करके जो पैसे कमाते थे उसी से रजत को पढ़ाते थे। एक दिन रजत स्कूल से लौट रहा था कि तभी उसने देखा कि एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे जीप में बिठाकर ले जाने लगा। उस वक्त उस पुलिस ऑफिसर के सिर से टोपी नीचे गिर गई। रजत ने वो टोपी उठाया। रजत ने वो टोपी अपने सर पर रखा और अपने माँ बीना को दिखाया। बीना वो टोपी देखकर बहुत खुश हो गई। बेटा, ये टोपी लगाकर तुम एकदम पुलिस ऑफिसर लगते हो। क्या तुम्हारे स्कूल में कोई तुमने नाटक किया है? नहीं माँ। और जो कुछ हुआ सब अपने माँ को बताया। क्या ये सचमुच का टोपी है? जाओ बेटे, पहले इसे पुलिस थाने में जाकर उन्हें देकर आओ। वहीं जा रहा हूँ माँ, सोचा जाते जाते एक बार तुम्हें दिखा कर जाऊँ, इसलिए यहाँ आया माँ। यूं रजत उस टोपी को लेकर पुलिस स्टेशन गया। उसने पुलिस ऑफिसर अशोक को वो टोपी दिया। जो कुछ हुआ सब बताया। वेरी गुड माय बॉय। बहुत सारे बच्चे पुलिस स्टेशन आने से डरते हैं, लेकिन तुमने हिम्मत करके ये कैप मुझे वापस लाकर दिया। थैंक यू वेरी मच माय बॉय। सर, जैसे आपने उस चोर को पकड़ा और उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन लेकर गए, वो देखकर मैं भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर। जरूर, तुम्हें बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए खूब मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। ऑल द बेस्ट। यूं कुछ दिन बीत गए। रजत के पिताजी गोपाल बीमार हो गए और उन्होंने खाट पकड़ ली। बीना गोपाल की देखभाल करते हुए घर में ही रहने लगी। तब रजत को पढ़ाई बंद करके छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन रजत ने जो पैसे कमाए थे वो सब ले जाकर अपने माँ को दी। ये देखकर गोपाल दुखी होते हुए, बेटा क्या नौबत आ गई है, हम दोनों को कमा कर तुम्हारा पोषण करना चाहिए था, लेकिन आज तुम्हारी कमाई पर हम जी रहे हैं। मैं चाहता था कि जब तुम बड़े बनकर पुलिस ऑफिसर बनोगे तुम्हें देखकर हम गर्व महसूस करेंगे, लेकिन उस भगवान ने इस जन्म में हमें वो खुशनसीबी नहीं दी। आप चिंता करना छोड़ दो पिताजी, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या ये काफी नहीं है कि मैं पुलिस के पकड़ में जाकर जेल चला जाऊं? मैं खूब मेहनत करके कमाऊंगा पैसे और धनवान बनूंगा पिताजी। एक दिन रजत कूड़ेदान में से प्लास्टिक की बोतलें और कागज वगैरह जमा करते हुए घर से काफी दूर आगे बढ़ गया। वो अपने काम में इतना लीन था कि उसने वक्त देखा ही नहीं। अब अंधेरा हो चला था। रजत रास्ता भटक गया। रजत ने सोचा कि रात में रास्ता ढूंढने से अच्छा है कि कहीं सो जाएं और सवेरे उठकर घर का रास्ता ढूंढें। वो एक दुकान के बाहर लेट गया। काफी देर होने पर भी उसे नींद नहीं आई। आधी रात के समय रजत के सामने से एक वैन गुजरी। उसके पीछे पीछे एक और कार गई। रजत को शक हुआ। वो धीरे से कार के पीछे पीछे उसी रास्ते में जाने लगा। वो दोनों गाड़ियां एक बैंक के पास जाकर रुकी। कुछ लोग वैन में से नकाब पहनकर उतरे। उन सब ने बैंक के ताले तोड़े और बैंक के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे सब बैंक में से पैसों की गठरियां लेकर बाहर आए। जो पैसे उन्होंने बैंक से चुराए थे उन नोटों के बंडल को उन्होंने कार में जाकर रखा। थोड़ी देर बाद वो कार और वैन वहां से चले गईं। रजत ने एक कूड़ेदान के पीछे छिपकर ये सब देखा। वो दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन गया। जो कुछ हुआ उसने पुलिस ऑफिसर अशोक को सब बताया। सर, मैंने उस वैन और कार के नंबर को नोट कर लिया है सर। वैन में से जो उतरे उन सब ने नकाब पहन रखा था
और जो व्यक्ति कार चला रहा था मैं उसे पहचान सकता हूँ सर। शाबाश रजत। जो सुराग रजत ने दिए उसकी मदद से पुलिस ने दो ही दिनों में बैंक के चोरों को पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर अशोक रजत के घर पहुंचा। देखिए, आपके बेटे के वजह से बैंक लूटने वाले एक बहुत बड़े गिरोह को हमने पकड़ लिया है। जिस व्यक्ति ने उस बैंक को लूटने के लिए कहा वो बहुत मशहूर आदमी है। वो आपके बेटे को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कुछ समय तक वो यहाँ ना रहे यही अच्छा है। वो हमारे पास ना रहे तो कोई बात नहीं सर, पर वो जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे यही काफी है। अशोक रजत को वहाँ से लेकर चला गया। कई साल बीत गए। बीना और गोपाल रजत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन उनकी झोपड़ी के बाहर बहुत सारे पुलिस जीप आकर रुकी। रजत बड़ा हो चुका था और वो आईपीएस ऑफिसर बन गया था। ये कोई और नहीं, आप ही का बेटा है रजत। मैंने ही इसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा था। आज ये आईपीएस में सेलेक्ट हो गया और आपका और मेरा नाम ऊंचा किया है। रजत ने अशोक को सल्यूट किया। बीना और गोपाल ने रजत को सल्यूट किया।